हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं बना रही हूँ राजस्थान की बहुत ही स्पेशल डिश गट्टा करी। बहुत ही डिलीशियस लगता है ये चावल के साथ या रोटी के साथ, बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम गट्टे की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए लिया है मैंने यहाँ पर बेसन, हींग, दही यही मैं सेम करी में भी यूज करूँगी, तेल, बेकिंग सोडा बिल्कुल थोड़ा सा लेना है आपको, पानी, और साथ में कुछ मसाले जिसमें कूटा धनिया, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नमक और अजवाइन। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है बेसन, उसमें ऐड किया है बिल्कुल चुटकी भर बेकिंग सोडा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐड करने से ये टूटने लगता है। और साथ में ऐड कर देंगे हम इसमें जो सूखे मसाले रखे थे हमने, वो हींग और दही। इन सबको अच्छे से मिक्स करके पहले सूखा ही मिक्स कर लेना है। एक कटोरी बेसन था मेरा, मैंने 3 चम्मच दही ऐड किया है। आप अपने बेसन के हिसाब से इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हो। और बस इसको थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करते हुए नॉर्मल आटा जैसा गूंद लेना है इसको, जैसा आप रोटी का रखते हो। अब इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ थोड़ा सा तेल, बस इसको थोड़ा सेट कर लेना है। और बस इसमें थोड़ा हाथों में लोई लेके और इसको ऐसे लंबा करते हुए और इसको एक शेप दे देना है, और सारे इसी तरह से बना लेने हैं आपको। यहाँ पे पानी उबलने के लिए रखा है मैंने, जब तक पानी में उबाल ना आए तब तक इसमें गट्टे ऐड नहीं करने हैं, नहीं तो ये टूटने लगते हैं। तो पानी में उबाल आ जाने के बाद इसमें गट्टे ऐड करूँगी मैं। पानी उबलना शुरू हो गया है तो इसमें एक आध गट्टे ऐड कर देंगे हम, और इसको हाई फ्लेम पे रखेंगे बिल्कुल, जब तक ये ऊपर सरफेस पर तैरने ना लगे। थोड़ी देर बाद जब ये ऊपर आ जाएगा तो गैस को सिम करके 10 से 12 मिनट इसको पकने देंगे। तो जब तक हमारे गट्टे तैयार हो रहे हैं तब तक हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए लिया है मैंने यहाँ पे टमाटर 2, अदरक, हरी मिर्च, हींग, और साथ में जो हमारा दही था बचा हुआ वो, बाकी बेसिक मसाले हैं हमारे डेली वाले, और साथ में नमक और तेल। तो सबसे पहले हमें टमाटर और अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बना लेना है। टमाटर हमारा पीस गया है अच्छे से, अब गट्टे देख लेते हैं हम। तो गट्टे मेरे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, इसको निकाल लेते हैं हम। और ये पानी फेंकना नहीं है, इसको हम ग्रेवी में यूज कर लेंगे। और गट्टे को आपको बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। एक मैं काट के दिखा रही हूँ आपको, बाकी सब वैसे ही काट लेना है। अब सेम पैन में ले लेंगे हम तेल, उसमें ऐड करेंगे जीरा, सूखी मिर्च और हींग, और इनको अच्छे से चटकने देना है थोड़ा। के बाद इसमें ऐड कर रही हूँ मैं टमाटर, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट, और इसको अच्छे से भूनना है अभी। जब इसका पानी थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा और अच्छे से भून जाएगा ये, तब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं मसाले, जिसमें हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर, सब्जी मसाला और कश्मीरी लाल मिर्च, और इन सबको अच्छे से मिक्स करके और भूनना है अच्छी तरह से। मसाला भून गया है मेरा, तो यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मैं कसूरी मेथी, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम दही। दही एक बार में सारा ऐड नहीं करना है, नहीं तो फट जाएगा वो, तो इसलिए पहले आधा ऐड करके पहले थोड़ा चला लेंगे, उसके बाद फिर बाकी आधा ऐड करेंगे इसमें हम। और इसको अच्छे से मिलाने के बाद इसमें ऐड कर रही हूँ मैं ये बेसन का जो पानी रखा था हमने वो, और इन सबको अच्छे से मिक्स करके इसको लगातार चलाते हुए आपको पकाना है। जब तक इसमें उबाल ना आ जाए तब तक इसको लगातार चलाते रहना है, नहीं तो दही फटने का डर रहता है। इसके बाद यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मैं पानी। पानी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो, आपको ग्रेवी कैसी रखनी है, थिक रखनी है या पतली रखनी है, उस हिसाब से। जब एक उबाल आ जाएगा तब इसमें ऐड करना है हमें नमक, और इसको अच्छे से मिक्स करके अब इसे धीमी आंच पे बिल्कुल पकने देना है 10 मिनट के लिए। जब ग्रेवी हमारा तैयार हो जाएगा तब इसमें गट्टे ऐड कर देंगे हम, और इसको ढक के 5 से 7 मिनट के लिए पकाना है। ज़्यादा नहीं पकाना, नहीं तो गट्टे कड़े हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। 5 से 7 मिनट बाद गट्टा कड़ी मेरा तैयार हो गया है बिल्कुल। आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा थिक भी हो गया है, ये जैसे जैसे ठंडा होगा थोड़ा और थिक हो जाएगा ये।
बस इसमें ऐड कर रही हूँ मैं अब हरा धनिया और गैस कर दूँगी बंद। तो रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।